हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीक के रॉ में हमें एक काफी बड़ी थिंग देखने को मिली थी और वो ये थी कि बॉबी लेस्ली बन चुके हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन। एंड अब सभी यही जानना चाहते हैं कि उनके साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। और इस रॉ में बॉबी लेस्ली के लिए तो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है ही, एंड साथ ही साथ WWE ने कुछ और चीजें कन्फर्म कर दी इस वीक के रॉ के लिए। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रोमन रेंस के फैमिली का कौन सा मेंबर मैच करना चाहता है रोमन रेंस के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम रॉ से जुड़ी थिंग्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया इस वीक के रॉ के लिए, वो कुछ और नहीं, वो है हमारे न्यू WWE चैंपियन बॉबी लेस्ली का सेलिब्रेशन। यानी कि पूरी हर्ट बिजनेस हमें रॉ में सेलिब्रेट करते हुए दिखने वाली है बॉबी लेस्ली के WWE चैंपियन बनने पर। एंड जाहिर सी बात है कि ये सेगमेंट नॉर्मली तो एंड नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई इंटरप्ट करते हुए दिख सकता है। वही बात की जाए कि किसके ज्यादा चांसेस है, देन गाइस वो सुपरस्टार पॉसिबली हो सकते हैं ड्रू मैकएंटायर, या फिर अगर WWE कुछ बड़ा सरप्राइज देना चाहती है देन वो नाम हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर। ड्रू मैकएंटायर को तो आप सब जानते ही हैं, उन्होंने लास्ट वीक के रॉ में ये हिंट दिया था कि वो WWE चैंपियनशिप का पीछा अभी तक नहीं छोड़े, और रॉ टॉक में उन्होंने कहा था कि वो किसी न किसी तरह से WrestleMania 37 के मेन इवेंट में जरूर से आ ही जाएंगे। इसलिए हो सकता है यहाँ पर वो हमें बॉबी लेस्ली को इंटरप्ट कर चैलेंज कर सकते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए फास्ट लेन पे पर व्यू में, या फिर फास्ट लेन पे पर व्यू में हमें WWE चैंपियनशिप का कोई नंबर वन कंटेंडर मैच ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है। एंड वहां पर अगर ड्रू मैकएंटायर जीत जाते देन उसके बाद सेट हो जाएगा ड्रू मैकएंटायर वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए WrestleMania 37 में। एंड ब्रॉक लेसनर की बात की जाए देन गाइस, आप सबको पता ही है बॉबी लेस्ली को जिस तरह से WWE बुक कर रही है, एंड उनके WWE चैंपियनशिप जीतने से पहले से स्पेकुलेशन लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें काफी जल्द देखने को मिलने वाला है। एंड वो आकर हमें चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं बॉबी लेस्ली को। एंड फाइनली हमें बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है WrestleMania 37 में। एंड MVP ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस फोटो को पोस्ट किया, एंड भाई उसके नीचे किसी और ने नहीं बल्कि अंडरटेकर ने कमेंट किया, जहां पर उन्होंने बस डॉलर की साइन डाली है। यानी कि यहां से वो यही बताना चाहते हैं कि अगर ये मैच होने वाला है देन ये WWE के लिए काफी ज्यादा मनी मेकिंग मैच होने वाला है, और अगर WWE के यही प्लान्स है देन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न गाइस आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है इस वीक के रॉ में देखने को मिल जाए, वो हो सकता है आपको फास्ट लेन पे-पर-व्यू में देखने को मिल जाए। इसलिए अगर इस वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली के WWE चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, तो क्या पता यहां पर हमें ब्रॉक लेसनर इंटरप्ट करते हुए दिख जाए बॉबी लेस्ली को, एंड वो चैलेंज कर दे उन्हें WWE चैंपियनशिप के लिए, एंड वो उन पर अटैक भी कर सकते हैं या फिर सिंपली वो फेस टू फेस आकर कर सकते हैं। इसलिए लेट्स सी आखिरकार बॉबी लेस्ली के इस सेलिब्रेशन वाले सेगमेंट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो WWE ने नेक्स्ट थिंग ऑफिशियल कर दी वो ये है, हमें क्या शेन मैकमैन माफी मांगते हुए दिखेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। अब जैसे आप सब जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पहले से नाराज चल रहे शेन मैकमैन से, उन्हें WWE चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एलिमिनेशन चैंबर के पे-पर-व्यू में। एंड लास्ट वीक के रॉ में शेन मैकमैन ने एडम पियर्स और ब्रॉन स्ट्रोमन को एक टैग टीम मैच डाल दिया था, और शेन मैकमैन के बोलने पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने एडम पियर्स के हाथों मैच जिताने के लिए उन्हें टैग कर दिया, और उसके बाद क्या ही होना था, एडम पियर्स ने ब्रॉन स्ट्रोमन को जीता हुआ टैग टीम चैंपियनशिप मैच हरा दिया। इसलिए इस वीक के रॉ में WWE इस चीज को लेकर यही एडवर्टाइज करेगी कि शेन मैकमैन हमें माफी मांगते हुए दिखेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। बट हाँ, अब यहां से लगभग कंफर्म हो चुका है कि WrestleMania 37 के लिए WWE के ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच एक सिंगल्स मैच कराने के प्लान है। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार रोड टू WrestleMania तक हमें इस फ्यूड में कितना ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा बात की जाए मुस्तफा अली एंड मैट रिडल के बारे में, तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में मुस्तफा अली ने पिन कर दिया मैट रिडल को टी बार की मदद से, और ये बात साफ है कि अब मुस्तफा अली को जरूर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। एंड हो सकता है हमें मुस्तफा अली वर्सेस मैट रिडल के बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच इस वीक के रॉ में ही देखने को मिल जाए, या फिर ये हमें ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है फास्ट लेन पे-पर-व्यू के लिए। और अब बात की जाए उस फ्यूड के बारे में जिसके लिए पहले तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बट धीरे धीरे फैंस इस चीज में अपना इंटरेस्ट खो रहे, एंड वो है फिंड और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड। अब जैसा कि फिंड टू TLC पे-पर-व्यू से गायब चल रहे, बट उसके बाद एलेक्सा ब्लिस एंड रैंडी ऑर्टन के बीच हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिला, बट रिसेंटली ज्यादा कुछ इनके बीच हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बस बैक स्टेज सेगमेंट ही देखने को मिल रहा है। और इस वीक के रॉ में हमें पॉसिबली WWE इस चीज में कुछ बड़ा करते हुए दिख सकती है। लास्ट वीक हमने रैंडी ऑर्टन का दूसरा रूप भी देखा था, तो लेट्स सी कि क्या इससे रिलेटेड हमें इस वीक के रॉ में रिंग में कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं। एंड फिंड का रिटर्न हमें आखिर कब हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भाई फिंड के रिटर्न के बाद ही हमें इस फ्यूड में इंटरेस्ट आने वाला है। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी थिंग थी जो कि हमें देखने को मिल सकती है इस वीक के मंडे नाइट रॉ में। वैसे आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से रिलेटेड। आखिरकार उनके फैमिली का कौन सा मेंबर उनके साथ मैच करना चाहता है, देन गाइस वो नाम कोई और नहीं, वो है जे उसो, जो कि हमें उनके पार्टनर के रूप में स्मैकडाउन में देखने को मिल रहे हैं। एंड रिसेंटली इनके बीच हम सबने काफी जबरदस्त फ्यूड देखी,
चाहिए। तो एक इंटरव्यू में जे उसो से ये पूछा जाता है कि क्या आप फिर से मैच करना चाहते हैं रोमन रेंज के साथ, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आप मुझे समस्या में डाल देंगे, बट हाँ मैं रोमन के खिलाफ एक बार और मैच फिर से जरूर लड़ना चाहूंगा, और अभी कोई भी रोमन के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाता एंड रोमन रेंज उसे डिस्ट्रॉय कर देते, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रोमन रेंज ने मुझे कभी भी इस तरह से असॉल्ट नहीं किया है और रोमन को पता है कि मेरे अंदर कौन सा ब्लड है, हम दोनों एक ही जगह से आते हैं और अभी करेंटली सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है और रॉयल्टी से भी अभी इम्पोर्टेंट है लॉयल्टी, और अभी मैं रोमन के साथ हूँ। इसलिए यहाँ पर जे उसो ने इस थिंग को क्लियर कर दिया कि अभी तो वो रोमन रेंज के साथ है, बट वो एक और मैच जरूर से लड़ना चाहते हैं रोमन रेंज के साथ, क्योंकि रोमन रेंज ने उन्हें अभी तक बाकी सुपरस्टार की तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना, आप क्या जे उसो एंड रोमन रेंज की फ्यूड फिर से देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।